एक कॉरपोरेट हाउस से एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिली और वह इसलिए कि वो जानते थे कि राज्यपाल जो होते हैं वो तो अलंकार मात्र होते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो ही निर्णायक होते हैं। इनको हम जवाब देकर क्यों अपना समय व्यर्थ करें? पानी की बचत न करें, हम समय की बचत करते हैं, इनको जवाब नहीं देते। मुझे एक सभ्य महिला, वहाँ कहना चाहिए भोद्रो महिला, का एक बार बहुत प्यारा सा पत्र मिला। आई एम ऑनर्ड सर टू बी राइटिंग टू द फिगर हेड ऑफ द स्टेट। तो कॉर्पोरेट्स जानते कि फिगर हेड कौन है, असली सत्ता किसके हाथ में है। तो किसी ने मुझे बचत के बारे में जवाब नहीं दिया। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1967 में अपने गणतंत्र दिवस अभिभाषण में कहा था, 67 की मैं बात कर रहा हूँ, ही वॉर्न द कंट्री अगेंस्ट ग्रोस मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसी। उसके मुकाबले आज अगर होते हमारे साथ तो राधाकृष्णन शायद एकदम मौन हो जाते, कोई पूछ नहीं रहा है। दुनिया भर में जागरूकता है इस बारे में, हम में नहीं। हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी कंजम्पशन लेवल्स को रोकना है। सही बात है, उन्होंने जिस तरह दुनिया में कंजम्पशन लेवल्स बढ़ाए हैं और पोल्यूशन बढ़ाया है उसके हमारे साथ मुकाबला नहीं हो सकता, उनको करना चाहिए। लेकिन उसको बहाना बनाकर अगर हमारे कॉरपोरेट सेक्टर्स कुछ न करें, वो चुप बैठें, तो भारत के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो सेकेंड वर्ल्ड है, वो थर्ड वर्ल्ड की जनता के पीछे छुप कर अपने लुटेरेपन को बचा रहा है। ये आज के हकीकतों में एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन कोई ये कड़वा सच बताएगा नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं करेगा। यही कहेंगे कि फलां भ्रष्ट है या फलां राजनीति में अपने आप को बनाए रखना चाह रहा है। तो भाइयों बहनों, हमारा ज़माना एक ऐसा ज़माना है जिसमें हमें आशा की किरणें कम, निराशा का तमस ज़्यादा दिख रहा है। मेरा मानना है कि यह परिस्थिति बहुत समय नहीं चल सकती, और अगर नहीं चल सकती है तो किस तरह बदलेगी? वो बदलेगी इस तरह कि बहुत सारे राजनीतिक एक्सपेरिमेंट्स एक साथ चलेंगे और हर एक्सपेरिमेंट में हम मिश्रण पाएंगे, वही मिश्रण जो ए टेल ऑफ टू सिटीज में चार्ल्स डिकेंस दिखा चुका है। देयर विल बी होप, देयर विल बी डिस्पेयर, देयर विल बी लाइट एंड देयर विल बी डार्कनेस। जब भी कोई आशा की किरण दिखती है तो एकदम घप करके उस पर एक दूषित बादल छा जाता है और उसको ढक देता है। कल तक तो हमें लग रहा था कि कितनी बढ़िया बात हुई है, आज
हाल कुछ अलग रहता है. लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में से, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट से कुछ न कुछ निकलेगा ज़रूर. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, वो किसी लेबोरेटरी में नहीं चलते. राजनीतिक और सामाजिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में चलते हैं, वो हमारे रोज़मर्रा की समस्याओं में खेले जाते हैं. आप सबके मन में और मेरे मन में भी यह प्रश्न है. वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड दैट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज आई थिंक वन ऑफ द थ्री थिंग्स फॉर विच इंडिया इज ट्रूली चेरिश्ड इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट इज आई बिलीव द ताजमहल. The second is the man in whose memory we have gathered here today, Mahatma Gandhi. The third is our democracy. The Taj, Gandhi, and Indian democracy are the three things for which the world really respects India. तो इन तीनों के बारे में मैं एक दो शब्द कहकर अब समाप्त करता हूँ. The Taj is a symbol not just of India's aesthetics, but of India's inner personality, by which I mean its diversity, its what is commonly called plural heritage. वो जो symbolic ताज है वो आज खतरे में है. उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है. और कुछ बचे न बचे, द मेटाफोरिकल ताजमहल इज द ग्रेटेस्ट कल्चरल लेगेसी ऑफ इंडिया विच हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड बाय अस एट एनी कॉस्ट. आज का हमारा ज़माना उस विरासत को खतरे में पा रहा है, और उस विरासत को बचाना हम सबका बहुत बड़ा फर्ज बनता है. ताज और गांधी के बीच में कोई समानता है, कोई मेल है? सोचें बिल्कुल नहीं. वो गए थे ज़रूर एक बार देखने, पर उस बिल्डिंग से वो कोई विशेष आकर्षित नहीं हुए, ऐसा हुए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है. फिर भी बहुत बड़ा संबंध है. सुब्बराव जी ने हमें बहुत सुंदर भजन सुनाए, तो मैं आज इन दोनों के बारे में एक संगीतात्मक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ. हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान गुरुदेव की देन है, पर हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो एक संक्षिप्त रूप में हम गाते हैं, जैसा कि होना चाहिए. बहुत बड़ा राष्ट्रीय गान कौन गा सकता है? पर गांधी जी की आश्रम भजनावली में ही हमें गांधी जी के दिए हुए राष्ट्रीय गान का अनएब्रिज्ड वर्जन मिलता है. उसमें ये पंक्तियाँ हैं, हम सब जानते हैं राष्ट्रीय गान तो सब जानते हैं, और आप चिंता न करें, मैं आपसे गाने को नहीं कहूँगा. अनअब्रिज वर्जन में ये पंक्तियाँ हैं. घोर तिमिर घन निबिड़ निशीधे, पीड़ित मूर्छित देशे दुःस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके स्नेहमयी तुमी माता. दिस आर पार्ट ऑफ द फुल जनगणमन, विच ही डिड नॉट राइट एज अ नेशनल एंथम, ही रोट इट एज अ सॉन्ग. बट in that song, which of which we sing the triumphalist portions, also occur these lines. Ghor timira ghana nibira nishi. आप इसको एक ध्रुपद के साइन में भी ले सकते हैं. कोई अगर ध्रुपद में गा रहा हो तो कैसे गाएगा? घोर तिमिर घन घोर तिमिर घन घोर 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 तिमिर घन, ये उसमें है.
the season of darkness. Ghor timir ghana nibira nishide. Pidita murchita deshe. Dusvapne. Atanke. Rukha karile anke snehamayitme mata. So, Taj aur Gandhi ke diyo hai is Gurudev ke gaan mein bahut ek gehra sambandh hai. Sare jahan se acha. Hum sab jante hain, Sare jahan se acha is another great, beautiful, the most ecstatically beautiful song. You cannot find another song of that caliber of lyrical beauty. Par usme Sare jahan se acha, Rakesh Sharma ne आकाश से कहा था जब पूछा गया तब की प्रधानमंत्री ने कि आपको हिंदुस्तान कैसा लग रहा है वहां से ऑर्बिट से चौथे दिन राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा तो हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते लेकिन उस सारे जहां से अच्छा इकबाल कहता है इकबाल कोई महरम अपना नहीं जमा में इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में मालूम क्या किसी को दर्दे निहां हमारा इसको हम याद नहीं रखते मजहब नहीं सिखाता याद है सारे जहां से अच्छा बुलबुल सब लेकिन दर्दे निहां हमारा तो ये दर्द ये तिमिर कौन दूर करेगा ये गांधी करता गया दुनिया जानती है गांधीवादी नहीं जानते हैं गांधीवादी उस गांधी को चाहते हैं जो कि कन्वीनियंट सा है पॉलिटिशियंस उस गांधी को चाहते हैं जो कि अति कन्वीनियंट है इनकन्वीनियंट गांधी को कोई याद नहीं करता तो इनकन्वीनियंट गांधी का आज पुनर्आविष्कार करना चाहिए जो कि कड़वे सच बताए खुद को भी औरों को भी अंत में डेमोक्रेसी हमारी जो पीड़ाएं हैं वो शोषण से हुई हैं पर आज विडंबना ये है कि उस शोषण से उत्पन्न पीड़ा का भी शोषण हो रहा है पीड़ा को दूर करने के लिए पीड़ा की दवाई देने के बजाय उस पीड़ा को और पीड़ित कर उस पीड़ा का शोषण कर खुद का पोषण हो रहा है यह है हमारा जमाना दीज आर आवर टाइम्स लेकिन अगर हम अपने पर विश्वास रखें और अपने पर स्वराज लाएं खुद पर स्वराज तो मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में और बहुत वर्षों में नहीं फेली सून हम एक अपने अनेक एक्सपेरिमेंट से वो एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जो कि कामयाब हो लेकिन उसके लिए अपनी भूलें अपनी भूलें कबूल करना अपने खुद को सुधारना बहुत आवश्यक होगा गांधी संस्थाओं के लिए एक छोटा सा संदेश आज 30 जनवरी हम यहाँ 30 जनवरी को एकत्रित हुए हैं हम में से कई हैं जो कि यहाँ से गांधी स्मृति जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ 5:17 को वहाँ रहना चाहेंगे पर वक्त नहीं है समय नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए कहने का मतलब ये है कि गांधी संस्थाओं में भी संतुलन और सामंजस्य की आवश्यकता है उसका अभाव मैं देखता हूँ मैंने यहाँ इस समय आने को अपनी मंजूरी दी थी ठीक से हिसाब नहीं लगाया कि यहाँ से गांधी स्मृति जाते जाते कितना वक्त लगेगा यहाँ मैं ठीक टाइम पर आया हूँ वहाँ मैं लेट पहुँचूँगा
लांजा दिल वास्तो करके बहुत बड़े एक दार्शनिक, उन्होंने एक ड्रामेटिक पोएटिक लाइसेंस में गांधी के अंतिम क्षणों के बारे में लिखा है, और ये इस संवाद का सही समापन होगा। हम सब जानते हैं कि आभा और मनु ने गांधी जी को राम का नाम लेते हुए सुना अंत के क्षण में। दैट वॉज ए ग्रेट एक्सक्लेमेशन, लेकिन अ फुल कंपोज सेंटेंस, उनका जो एक लास्ट स्पोकन सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस विथ सिंटैक्स ग्रामर मीनिंग वर्ड्स वर्बल कंस्ट्रक्शन गुजराती में था। लेट तो थे ही, 15 मिनट लेट थे, तो गुजराती में उन्होंने कहा दोनों को, गाभा मनु को, जो मैं हिंदी में कहूँगा, अंग्रेजी में भी, मुझे कहीं भी देर से पहुँचना अच्छा नहीं लगता। गुजराती में उन्होंने कहा होगा मैंने मोड़ू थतूँ गमतू नहीं, अंग्रेजी में आई डो नॉट लाइक बींग लेट। दिस वॉज हिज लास्ट स्पोकन सेंटेंस, कीपिंग असाइड द लास्ट सेड टू बी वर्ड राम। तो लांजा दिल वास्तो ने उसको पोएटिक लाइसेंस में कहा है, ये नहीं कहा कि दीज आर हिज वर्ड्स, ही हैज ड्रामेटाइज्ड इट। दैट गांधी लुक्ड एट हिज असैसिन एंड सेड ओ यू आर लेट। तो इसको मैं बहुत एक, इसमें जो है ओ यू आर लेट टू हिज असैसिन, इसमें मैं एक बहुत